हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम अपनी क्लास में कुछ रेजिस्टेंस के अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और हमारा आज का जो नया टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स क्या होता है पहले ये समझिए, और इसका ज़रूरत क्यों पड़ा सबसे पहले हम ये जानते हैं। जैसे हमारे लिए बहुत सारा ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है, जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, है ना। तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल ऐसे अप्लायंस होते हैं जिन्हें करेंट तो चाहिए, लेकिन उन्हें बहुत कम करेंट चाहिए। किन्हीं को ज़्यादा करेंट चाहिए, किन्हीं को कम करेंट चाहिए, और कैसे करें कि एक सर्किट में हम किस प्रकार, है ना, एक सर्किट को, मतलब एक ही सर्किट में, है ना, अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, एक को ज़्यादा चाहिए, एक को कम चाहिए। तो इस चीज को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, रजिस्टर्स का यूज करते हैं, है ना। रेजिस्टेंस का क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। जनरली आप लोग इस टाइप का शेप देखे होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका फोटो डाल दूंगा। तो जैसे एक ही सर्किट है ना, तो एक ही टीवी का एक मान लो किट है, तो टीवी के किट में बहुत छोटा छोटा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा। तो सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को करेंट क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए। अब ये बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सबको करेंट अलग अलग चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, रजिस्टर्स को कम्बाइन करना पड़ता है ना, कि रजिस्टर को कम्बाइन करके हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल रजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज ओवरऑल रेजिस्टेंस को घटा भी सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्स को कंबाइन करके हम ना ओवरऑल रेजिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं और ओवरऑल रेजिस्टेंस को घटा भी सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को दो तरह से कंबाइन करते हैं, एक सीरीज में और दूसरा क्या होता है, पैरेलल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, रजिस्टर्स को क्या होता है, दो तरह से क्या होता है, कंबाइन किया जाता है। एक होता है सीरीज में और एक होता है पैरेलल में। याद रखना है दोनों को, याद कैसे रहेंगे, सीरीज बढ़ाने के लिए, पैरेलल घटाने के लिए। सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। तब इसको आप याद रखिए कि सीरीज में हम लोग रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं, क्यों, ओवरऑल रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, है ना। पैरेलल में कंबाइन करते हैं ओवरऑल रेजिस्टेंस को घटाने के लिए, है ना। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट का फ्लो क्या होगा, घट जाएगा। रेजिस्टेंस घट जाएगा, करंट का फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो अब हम इसको सीरीज को डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम मैंने लिया है, एक सर्किट डायग्राम है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बी है, और मैंने तीन रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया। अब सीरीज होता क्या है पहले वो समझिए, पहले सबसे पहले हम सीरीज समझते हैं, सीरीज कनेक्शन क्या होता है। तो जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को, है ना, जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को, है ना, एक दूसरे के एंड पॉइंट से जोड़ते हैं, जैसे फर्स्ट का एंड सेकेंड का स्टार्टिंग पॉइंट, सेकेंड का एंड थर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट, थर्ड का एंड फोर्थ का स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब इस तरह से रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये R1 का एंड पॉइंट, इसका क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इसका एंड पॉइंट, इसका क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो जब रेजिस्टेंस को इस प्रकार क्या होता है, जोड़ा जाता है, इन टू इंड जोड़ा जाता है, तो उस तरह के ना कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरीज, कि ये जो रेजिस्टेंस है वो आपस में कैसा कंबाइन है, तो सीरीज के फॉर्म में कंबाइन है, एक दूसरे से क्या है, सीरीज के फॉर्म में कंबाइन है, ऐसे 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 क्या है, वो सीरीज के फॉर्म में क्या है, कंबाइन है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा बात ये आता है कि सीरीज में क्या क्या बातें हमेशा याद रखें, वो क्या क्या बात हुए, है ना, जो कि हम लोग को हमेशा याद रखना है। तो सीरीज के अंदर दो बातों को आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहला बात कि सीरीज कनेक्शन में, है ना, करेंट जो होता है हर एक पॉइंट पर सेम होगा, यानी चाहे R1 पर निकालेंगे या R2 पर निकालेंगे या R3 पर निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पर करेंट का वैल्यू वैरी नहीं करेगा, सब पॉइंट पर ना करेंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, करेंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, है ना।
हम मैंने क्या बताया था जस्ट अभी कि हमको सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अलग अलग वोल्टेज चाहिए है ना, तो करेंट सबको सेम चाहिए लेकिन वोल्टेज क्या चाहिए, अलग अलग चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया हुआ, इस कनेक्शन में हर एक R1 पॉइंट पर, R2 पॉइंट पर या R3 पॉइंट पर, तीनों पॉइंट पर करेंट क्या होगा, सेम होगा, वो करेंट क्या होगा, आई होगा। बट डिफरेंस क्या होगा, तो तीनों पॉइंट पर वोल्टेज, तीनों पॉइंट पर वोल्टेज आपका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम क्या मान लिए कि R1 पर क्या है, V1 है, R2 पर क्या है, V2 है और R3 पर क्या है, V3 है। सबसे पहले याद रखना है कि इम्पोर्टेंट नोड्स की एक सर्किट डायग्राम में ना, जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। एक बार आप इस सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखें, ये सर्किट डायग्राम है, पोटेंशियल डिफरेंस ओवरऑल मतलब ओवरऑल मेरा वोल्टेज कितना है, वी है ना, R1 R2 R3 को क्या किए हम सीरीज में जोड़ दिए हैं, इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2 और इसका वोल्टेज V3, करेंट I सप्लाई हो रहा है और यही सब जगह करेंट I सप्लाई जा रहा है। तो अब हमको यहाँ पर रिजल्टेंट निकालना है कि जब हम R1, R2 और R3 को जोड़ दिया, कितना भी 4, 5, 6, 7 ना जितना रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली हम जोड़ सकते हैं, तो R1, R2, R3 जोड़ दिए हैं, तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है ना, उसका क्या फॉर्मूला है, तो उसके लिए निकालने के लिए हम यहाँ पर ओम्स लॉ का यूज करेंगे। सबसे पहले मान लिए कि ना तीन रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 जिसे सीरीज में जुड़ा गया है, करेंट I, पोटेंशियल V है ना, करेंट I सप्लाई किया गया है जो तीनों पॉइंट पर ना फ्लो कर रहा है ना, तीनों पॉइंट पर क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले हम पूरे सर्किट पर क्या करते हैं, ओम्स लॉ पुट करते हैं। तो जब हम पूरे सर्किट पर ओम्स लॉ पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, करंट क्या है, आई है, और ओवरऑल रेजिस्टेंस को हम क्या मान लिए, आर मान लिए, कि मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस उसको क्या मान लिए, हम आर मान लिए। तो जब हम लोग है ना ओम्स लॉ पुट करेंगे तो क्या आएगा, वी इज इक्वल टू आई आर। एक और बात आप लोग को ध्यान रखना है हमेशा कि वोल्टेज सब पॉइंट पर अलग अलग है, R1 पर वोल्टेज अलग है, R2 पर वोल्टेज अलग है और R3 पर वोल्टेज अलग है, लेकिन जब हम ओवरऑल वोल्टेज निकालेंगे तो वो बैटरी के वोल्टेज के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी यही वोल्टेज क्या है, तीन पार्ट में बटा है, क्योंकि रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस को हम लोग आपस में कनेक्ट कंबाइन किए हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल वोल्टेज जो होगा वो सभी वोल्टेज के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। वही यहाँ पर लिख दिए कि ओवरऑल वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना। जब पूरे सर्किट पर हम क्या किए है ना, ओम्स लॉ अप्लाई किए तो V इक्वल टू क्या हो गया, आई आर। यहाँ पर देखिए ये भी तो एक तरह का सर्किट है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में देखिए, सेकेंड पॉइंट में देखिए और थर्ड पॉइंट में देखिए, ये तीनों पॉइंट में क्या है, आपस में क्या है, एक सर्किट टाइप का है। तो तीनों इन पर अब क्या करेंगे ना, यहाँ भी क्या हो रहा है, करेंट आई सप्लाई हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, करेंट आई सप्लाई हो रहा है, और यहाँ भी क्या हो रहा है, करेंट आई सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट पर ओम्स लॉ पुट करेंगे। तो जब यहाँ पर ओम्स लॉ पुट करेंगे ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो गया, करेंट आई हो गया और रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1। तो उससे मेरा क्या हो गया, V1 इक्वल टू IR1। यहाँ पुट पुट करेंगे तो V2 इक्वल टू IR2, और यहाँ पर पुट करेंगे तो V3 इक्वल टू क्या होगा, IR3। अब क्या करेंगे, V1, V2 और V3, V ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस, V1, V2 और V3, ये चारों का वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। जब ये चारों का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ से मेरा V का वैल्यू क्या है, IR लिख दिए, V1 का वैल्यू कितना है, IR1, V2 का वैल्यू IR2 और V3 का वैल्यू IR3। ये तीनों में क्या कॉमन है, करेंट, मैंने बताया था कि सीरीज कनेक्शन में करेंट क्या होता है, सेम होता है, करेंट सेम, वोल्टेज अलग अलग, करेंट कॉमन निकालनी है, करेंट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और उससे मेरा क्या निकल गया, ओवरऑल रेजिस्टेंस। इसको सही से करने के लिए यहाँ पर क्या लिख दिए, RS लिख दिए, RS का मतलब क्या हो गया, ओवरऑल रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस मेरा क्या आ गया, तो सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस है ना, इसी को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सारे रेजिस्टेंस के सम के क्या होता है, बराबर होता है, और हर एक इंडिविजुअल से क्या होगा, बड़ा होगा, हर एक इंडिविजुअल से। यानी ये जो रेजिस्टेंस आर है
ना वो इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, और क्या होगा, इससे भी बड़ा होगा, इन हर एक इंडिविजुअल से क्या होगा, बड़ा होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस को जो हम लोग ना सीरीज में कनेक्शन करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो उस समय ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, और उसका वैल्यू कितना होगा, तो सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। बात क्या याद रखना है कि सीरीज कनेक्शन में एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं ना, करेंट सब इंड पर सेम होता है, सब इंड पर वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन ओवरऑल जब वोल्टेज निकालेंगे तो वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन हो गया ना। इसको आप वीडियो पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ध्यान से लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरेलल कनेक्शन। अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्शन में क्यों करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल कनेक्शन में क्यों करते हैं, कि ओवरऑल रेजिस्टेंस को घटाने के लिए हम रेजिस्टर्स को क्या करते हैं, पैरेलल में कंबाइन करते हैं। ये आपको याद रखना है। पैरेलल कनेक्शन में होता क्या है कि दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स का जो एंड पॉइंट होता है या जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो दोनों क्या होता है, सेम होता है। देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने तीन रजिस्टर्स लिया है, कितना लिया है, तीन रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3, तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट भी ये है और तीनों का एंड पॉइंट क्या है, ये है। तो उस तरह के कनेक्शन को जिसका एंड पॉइंट क्या होता है, ऑल द ना एंड पॉइंट ऑफ ऑल द रजिस्टर्स आर सेम, देन ना देन द रजिस्टर्स आर सेट टू बी इन पैरेलल कंबाइंड, ना कि जब दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स का एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो, तो उस तरह से ना हम कह सकते हैं कि वो सब क्या है, आपस में कैसे कंबाइन है, तो पैरेलली कंबाइन है ना। इसमें आप लोग को बात क्या ध्यान रखना है, पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में आप लोग को ये ध्यान रखना है बात कि ओवरऑल, सबसे पहला कि ओवरऑल रेजिस्टेंस को अगर घटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में कंबाइन करते हैं, ओवरऑल रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि सीरीज कनेक्शन में हम लोग देखे थे कि करेंट सब जगह क्या होता है, सेम होता है, लेकिन वोल्टेज सब जगह क्या होता है, अलग। सबसे पहले हर सब वोल्टेज क्या होता है, सब जगह अलग अलग होता है, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में आप देख रहे हैं कि करेंट यहाँ से आई जा रहा है, लेकिन ये करेंट क्या होता है, तीन पार्ट में बढ़ जा रहा है। ये करेंट क्या हो रहा है, तीन पार्ट में क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है ना। तो ये यहाँ पर गया I1, यहाँ पर गया I2, यहाँ पर गया I3, यानी इसमें पैरेलल कनेक्शन में हर एक रेजिस्टेंस के पास करंट क्या होगा, अलग अलग जाएगा, लेकिन जब हम ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, तो ओवरऑल करंट के इक्वल, सॉरी ओवरऑल करंट निकालेंगे ना तो किसके इक्वल होगा, तो किसके इक्वल होगा, तो ओवरऑल करंट के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पर I1 I2 I3 को जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा, मेरा I निकल जाएगा। एक बार सर्किट डायग्राम को एक बार फिर समझ लेते हैं। यहाँ पर हम सर्किट डायग्राम लिए हैं, है ना, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी है, करेंट आई फ्लो कर रहा है, तीन रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल कंबाइन किए, R1 के पास करेंट I1 जा रहा है, R2 के पास करेंट I2 जा रहा है ना, और R3 के पास करेंट I3 जा रहा है। हम लोग को पता है मीटर को सीरीज में लेते हैं, है ना, वोल्ट मीटर को हमेशा है ना रेजिस्टेंस के पैरेलल कंबाइन करते हैं, मीटर सीरीज में है और वोल्ट मीटर क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने बताया कि पैरेलल कनेक्शन में करेंट अलग अलग होगा लेकिन वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर भी वोल्टेज भी होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज भी होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज भी होगा, वो किसके इक्वल होगा, तो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। तीनों रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज सेम जाएगा लेकिन तीनों रेजिस्टेंस के पास करेंट क्या होगा, अलग अलग जाएगा, है ना। लेकिन हम क्या मान लिए, ओवरऑल रेजिस्टेंस को RP मान लिए। यहाँ पर RP माने क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस कैसा है, पैरेलल में, इसी कारण क्या मान लिए, RP मान लिए। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, ओवरऑल करेंट निकालते हैं। तो ओवरऑल करेंट निकालेंगे तो I1, I2 और I3 को जोड़ देंगे, वही लिख दिए I = I1 + I2 + I3 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ओम्स लॉ पुट करेंगे इस वाले पॉइंट पर, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3, तीनों पॉइंट पर क्या करेंगे, हम ओम्स लॉ पुट करेंगे। सबसे पहले ओवरऑल सर्किट में ओम्स लॉ पुट करेंगे। तो ओवरऑल सर्किट का बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है,
करेंट आई है और ओवरऑल मेरा रेजिस्टेंस कितना है, आरपी है। तो यहाँ पुट किए तो वी इज इक्वल टू आई आर पी, मुझे क्या चाहिए करेंट चाहिए, तो मैं यहाँ से करेंट निकाल लिया तो आरपी इधर मल्टीप्लाई में था, इधर कैसे हो गया डिवाइड में हो गया, यानी वी बाई क्या हो गया, आरपी हो गया। उसी बात हरेक रेजिस्टेंस के पास, हरेक रेजिस्टर्स के पास हम क्या करेंगे, अब ओस लॉ पुट करेंगे। आर वन के पास जाएंगे, करेंट है आई वन, वोल्टेज है वी, तो ओस लॉ पुट करेंगे तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया, आई वन आर वन। यहाँ से I1 का वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन क्या होगा, R1 होगा। R2 के पास जाएंगे, करेंट है I2, वोल्टेज है V और रेजिस्टेंस है R2। ओम्स लॉ पुट करेंगे V इक्वल टू IR2। I2 निकालेंगे तो V बाय क्या होगा, R2 होगा। इसके पास आएंगे सिमिलरली वैसे ही क्या होगा, I3 इक्वल टू V बाय क्या होगा, R3 होगा। अगला काम क्या है मेरा कि V I1 I2 और I3 है ना, सारा करेंट के वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन वन में पुट कर देना है। तो I का वैल्यू मेरा क्या था, V by RP है ना, I1 का वैल्यू क्या था, V by R1, I2 का वैल्यू क्या था, V by R2, और I3 का वैल्यू क्या था, V by R3। तीनों में क्या कॉमन होता है, कॉमन क्या होता है, वोल्टेज कॉमन होता है। तीनों रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज कॉमन होता है। वोल्टेज कॉमन निकालनी है, वोल्टेज वोल्टेज क्या हो गया, कट गया, तो मेरा ना क्या निकल गया, 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 है ना। यहां से मेरा क्या, किसका रेसिप्रोकल निकल गया, तो ये किसका, इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल है ना, इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस है ना। ये मेरा किसका निकला हुआ, रेसिप्रोकल निकला, किसका निकला, रेसिप्रोकल, किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल वैल्यू निकला। कैसे इक्वल होगा, तो 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। 3 लिए तो 3 तक, 4 लिए तो 4, 5 ऐसे ऐसे जहां तक लेंगे वो बढ़ते जाएगा। तो ये आपका क्या है, पैरेलल कनेक्शन है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितना दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा, करेंट सब जगह अलग अलग होगा, ओवरऑल करेंट सबको जोड़ देंगे ओवरऑल करेंट निकल जाएगा है ना, वोल्टेज सब जगह क्या होगा, सेम होगा है ना, और यहाँ पर इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाएगा। यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस जब निकालेंगे, आरपी जो होगा वो आर वन से भी छोटा होगा, आर टू से भी छोटा होगा, क्या होगा, आर थ्री से भी छोटा होगा। ये आप लोग एकदम ध्यान रखना, RP, R1, R2 और R3 तीनों से क्या होगा, छोटा होगा। ये आपका क्या हो गया है ना, जब रेजिस्टर्स को हम लोग पैरेलली क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके रिगार्डिंग लिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे है ना, अभी जो हम लोग जो टॉपिक पढ़े उसके रिगार्डिंग लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंस है ना, या व्हेन टू रेजिस्टर्स आर 3 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन पहला सीरीज एंड दूसरा पैरेलल। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दो रजिस्टर दिया हुआ है, एक 3 ओम का दिया हुआ है, दूसरा 2 ओम का दिया हुआ है, तो दोनों को फर्स्ट में हम लोग को क्या करना है, सीरीज में कंबाइन करना है, दूसरा में पैरेलल में कंबाइन करना है ना, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। एक बार क्या करते हैं, हल्का सा डायग्राम बना लेते हैं। तो जब इसको हम लोग सीरीज में करेंगे तो इस टाइप का डायग्राम होगा, ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 2 ओम, 3 ओम 2 ओम। अब इसमें हमको क्या निकालना है, ओवरऑल क्या निकालना, रेजिस्टेंस निकालना है। सीरीज में है तो ओवरऑल ये रेजिस्टेंस यानी RS का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, दो रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस क्या लिख दिए, R2 ले लिए, R1 3 दिया हुआ, R2 2 दिया हुआ, कितना आ गया मेरा, 5 ओम आ गया, बहुत ये था। उसके बाद क्या कर रहा है, पैरेलल, इसको पैरेलल कंबाइन करेंगे हम लोग, दोनों के इन पॉइंट को सेम रखना है।
प्लस माइनस, ये मेरा दिया हुआ है 3 ओम, ये मेरा दिया हुआ है 2 ओम। अब इसका क्या निकालना है हमको, ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है। तो पैरेलल में है तो पैरेलल में तो क्या निकालेंगे, 1 बाई आर पी, इस पर जो फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई आर1 प्लस 1 बाई आर2। 1 बाई आर1 मेरा कितना दिया हुआ है 3 ओम, 1 बाई आर2 कितना दिया हुआ है 2 ओम, 3 2 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, 2 प्लस 3 यानी कितना होगा 5 बाई 6। 1 बाई आर पी इसका टू कितना हो गया 5 बाई 6 हो गया, तो देयर फोर आर पी निकालेंगे तो क्या होगा 6 बाई 5 होगा, यानी यहाँ से क्या होगा मेरा कट जाएगा 1.2 बार में क्या होगा कट जाएगा। तो जब हम है ना इसी दो रजिस्टर्स को पैरेलल में कंबाइन किए तो कितना आ गया 1.2। ध्यान से देख रहे हैं कि इसमें दोनों रजिस्टर से ओवरऑल क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है क्योंकि सीरीज में है, और सीरीज में क्या होता है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है घट जाता है, देख रहे हैं घटिया ना रेजिस्टेंस। तो ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से हम मुझे डायग्राम दे दिया रहेगा और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ध्यान से। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट का दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है 7 ओम, R2 दिया हुआ है 8 ओम और R3 दिया हुआ है 12 ओम। तो हमको सबसे पहला निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस, दूसरा निकालना है टोटल करेंट निकालना है, क्या निकालना है टोटल करेंट निकालना है, और तीसरा निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है R1 पर, इस पर निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले आपको समझना है कि जो रजिस्टर्स है वो आखिरकार उसका कॉम्बिनेशन किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों R2 और R3 ये दोनों क्या है, दोनों का इन पॉइंट सेम है, तो R2 और R3 दोनों क्या है पैरेलल में है। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे इक्विवेलेंट, हम क्या निकालेंगे रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस R2 एंड R3 आर कंबाइंड इन पैरेलल, देयरफॉर 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R2 प्लस 1 बाई क्या होगा R3 होगा। R2 कितना दिया हुआ है 8, R3 कितना दिया और 2 लिखा एसएम कितना होगा 48, 48 और 12 चुके क्या होगा 48 होगा, 6 4 10 बाई कितना हो गया 48 हो गया, 1 बाई RP इज इक्वल टू 10 बाई 48, देयरफॉर RP निकालेंगे तो क्या होगा 48 बाई क्या होगा 10 होगा, यानी चेंज करेगा और सो काटेंगे तो कितना आएगा 4.8 हो। अब यहाँ से मेरा ये जो R2 और R3 जो पैरेलली कंबाइन था उसका ओवरऑल रेशियस निकल गया। अब देखिए ये डायग्राम कैसा हो जाएगा, अब ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। डायग्राम बनाने से क्या होता है कि समझ में ज्यादा आता है, बहुत इजीली समझ में आता है। ये मेरा हो गया 7 ओम, ये मेरा R1 और ये मेरा हो गया R3 जो कि मैंने अभी निकाला है, R3 मेरा कितना आया है 4.8 है ना। अब यहाँ से देखिए, अब आप यहाँ से ध्यान से देख रहे होंगे कि अब ये दोनों क्या है, दोनों का एंड पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट है ना, तो अब ये दोनों क्या हो गया सीरीज में आ गया। तो यहाँ से लिख देंगे नाउ R1 एंड RP आर कंबाइंड इन सीरीज, तो देयरफॉर क्या होगा R स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा R1 प्लस RP, R1 मेरा 7 है और RP मेरा कितना है 4.8 यानी कितना हो गया 11.8 हो, यानी पूरा सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या निकला RS और वो कितना निकला 11.8 हो। समझ में आ गया ना, ये दोनों पहले पैरेलल में था, पैरेलल में क्या निकाल दिया ओवरऑल रेजिस्टेंस, उसके बाद ये निकल गया, ये दोनों क्या हो गया सीरीज में हो गया, उसके बाद मेरा ओवरऑल रेजिस्टेंस निकल गया और यही ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकल गया। अब हमको चाहिए टोटल करेंट, तो देखिए ओवरऑल रेजिस्टेंस निकल गया, वोल्टेज दिया हुआ है तो करेंट निकल जाएगा ओम्स लॉ से। अब क्या करेंगे अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, अप्लाई ओम्स लॉ सर्किट पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा V इज इक्वल टू क्या होता है
आई आर। वी कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ। आई कितना दिया हुआ है, 11.8 दिया हुआ है, सॉरी आई नहीं दिया हुआ है, और आर कितना दिया हुआ है, 11.8। तो देयर फोर यहाँ से आई निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो 6 upon 11.6। पॉइंट हटाएंगे ऊपर जाएगा 0, तो 60 upon 116। इसको डिवाइड देते हैं हम लोग, 118 होगा। को 60 से 0 देके पॉइंट देंगे 0, पांच बार में कटेगा 40 9 5 590 10। 0 उतर गया, अभी यहाँ पर 0 उतरेंगे, अभी कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में, 16 8 बार में कटेगा। तो लगभग कितना आएगा आपका, लगभग आपका करेंट आएगा 0.508 एम्पीयर का। क्या हुआ, करेंट इससे फ्लो करेगा, इससे कितना करेंट फ्लो करेगा, 0.5। इसको हम लोग अप्रॉक्स में लिख सकते हैं कि ये कितना होगा, 0.5 एम्पीयर का इससे करेंट क्या होगा, फ्लो करेगा। इससे करेंट कितना फ्लो करेगा, 0.5 एम्पीयर अप्रॉक्स में फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरा ये नहीं कट रहा है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या निकालते हैं, पीडी एट आर। आर वन पर पीडी निकालना है, आर वन पर भी निकालना है हमको। तो देखिए आर वन पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई ओम्स लॉ एट आर वन। आर वन पर जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो मेरा क्या होगा, इस करेंट क्या होगा, आई होगा। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, 7 होगा। हमको क्या निकालना है, भी निकालना है। तो भी इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर वन। तो हमको क्या निकालना है, वी निकालना है। आई मेरा कितना दिया हुआ है, आई कितना निकालना है, 0.5 अप्रॉक्स में। आर वन कितना निकला हुआ है, 7। तो काटेंगे तो कितना आएगा, 3.5 वोल्ट, है ना। तो यानी आर वन यानी 7 ओम वाले रजिस्टर पर वोल्टेज कितना होगा, 3.5 वोल्ट। यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू आया 0.5 एम्पीयर, क्योंकि यहाँ पर 7 दिया हुआ है, इसी कारण इसका वैल्यू अप्रॉक्स पूरा पूरा ये नहीं कट रहा है ना। तो मेरा आर वन पर वोल्टेज कितना आ गया, 3.5 वोल्ट। तो ये आपका जब यहाँ पर आपका सर्किट डायग्राम दिया रहेगा तो उसको ध्यान से एक बार समझ लेना है कि कौन सा रजिस्टर्स पैरेलल में है, कौन सा रजिस्टर्स सीरीज में है, उसके बाद ही आप लोग को बनाना है ना। इससे आप लोग उतार लीजिए और अपने बुक, अपने किसी भी पब्लिकेशन के बुक से ना आप लोग बनाइए ना, और नहीं बनने पर मुझे व्हाट्सएप पर उसको सेंड कीजिए या कमेंट में डालिए।